Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नवाज शरीफ की वतन वापसी का शेड्यूल एक बार फिर तब्दील। कल भी एहतसाब अदालत में पेश नहीं होंगे। नैब कोर्ट हसन और हुसैन नवाज को अदम पेशी पर इश्तेहारी करार दे चुकी है। क्या अब नवाज शरीफ की बारी है? अदम पेशी पर जमानत मंसूख होने का इम्कान। एहतसाब अदालत में गवाहों के बयान पर जरह की जाएगी। नैब रेफरेंसेस में नवाज शरीफ पर फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। तीनों रेफरेंसेस को यकजा करके एक ही फर्दे जुर्म आयद करने के अहकाम जारी करने की इस्तदा। अदालत ने वफाक से जवाब तलब कर लिया। ढीले बहाने बहुत हुए, इमरान खान ने जिद छोड़ दी। तौहीन अदालत केस में कल कप्तान इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट मुअत्तल कर दिए थे। बल्ले का बोल होगा बाला या तीर का चलेगा वार? एएनपी मारेगी मैदान या शेर करेगा शिकार? फैसले की घड़ी आन पहुंची। हल्का NA4 पेशावर में जिमनी इंतखाब कल होगा। 7000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और असलहा लेकर चलने पर भी पाबंदी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। हल्का बंदियों का बिल कौमी असेंबली में पेश करने का फैसला। ऐवान में बहस कराने की मंजूरी। इमाम काबा की इजलास में खुसूसी शिरकत। कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा है। कराची ऑपरेशन दुनिया का बेहतरीन टारगेटेड ऑपरेशन था, जिसमें किसी मासूम का नुकसान नहीं हुआ। वज़ीरे आला सिंध की फॉरेन सर्विस एकेडमी के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि सिंध में दहशतगर्द बलूचिस्तान की सरहद से आते हैं। कराची को रिवाइव करने का मतलब क्या है? कराची को रिवाइव करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को आपने रिवाइव करना है। कराची में अमन के लिए विफाक ने काविशें की। लोगों को पता है रेंजर्स बैठी है तो कारोबार कर सकते हैं। गवर्नर सिंध का कराची में तकरीब से खिताब। कहा अमन बहाल होने के बाद अब शेर कायद PSL मैचेस की मेजबानी भी करेगा। हैदराबाद में कत्ल किए गए MQM पाकिस्तान के रहनुमा नौशाद शेख की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तकफीन कर दी गई। फारूक सत्ता समेत अराकीन राबिता कमेटी की शिरकत। MQM पाकिस्तान आज यौम सोग मनाएगी। फारूक सत्तार कहते हैं हमें दीवार से लगाया जा रहा है। दस्तावेजात से मालूम नहीं होता रकम किस अकाउंट में मुंतकिल हुई। जहांगीर तरीन केस में ईमानदारी को देखना है। पानामा केस में काबिले वसूल तनख्वाह जाहिर न करने पर फैसला दिया गया। नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। समाअत 7 नवम्बर तक मुलतवी। जरदारी और फ्रियाल तालपुर को जब तक आप इंसाफ के कटहरे में नहीं खड़ा करेंगे या कोई इस्लाह नहीं हो सकती। इस तरह से जरदारी अब माफिया के सरदार है। नवाज शरीफ से उसकी करप्शन की जंग नहीं थी, उनके सारे जितने भी कंट्रोल्ड इदारे हैं उन सब के खिलाफ जंग। आसिफ जरदारी करप्शन माफिया के सरदार हैं। कब्जा माफिया को जरदारी की आशीर्वाद हासिल है। कप्तान के कराची में साबिक सदर पर बाउंसर्स। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। कहा कि नैब सिंध में करप्शन की तहकीकात करे। गुज़िश्ता इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के हाथ बंधे हुए थे। धांधली के माहिर आइंदा इंतखाबात में अवामी मैंडेट चोरी करने का ख्याल दिल से निकाल दें। आसिफ जरदारी की फैसलाबाद डिवीजन के टिकट होल्डर से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ ने मईशत तबाह कर दी। अमेरिका से बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं। अमेरिका को बता दिया कि मदद करेंगे लेकिन किसी की प्रॉक्सी नहीं लड़ेंगे।
वजीर खारिजा का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। इक्वालिटी की बुनियाद पे, बराबरी की बुनियाद पे, कथित तौर पे किसी स्टेज के ऊपर जो है पाकिस्तान जो है, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं कर सकते, अमेरिका इंटेलिजेंस इत्तला दे, हम खुद कार्रवाई करेंगे। दहशतगर्दों की पनागाहें पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं, पाकिस्तानी हुकूमत का आदम इस्तेहकाम किसी के लिए फायदेमंद नहीं। अमरीकी वजीर खारजा की सुषमा स्वराज के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, अफगान मसले पर सहफरीकी इजलास मुनक्किद करने पर इत्तिफाक। LOC पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी, एहतजाजी में रासला थमाया, भारतीय इश्तियाल अंगेजी से दो खवातीन शहीद हो गई थी। कराची में रेंजर्स की कार्रवाई, बैंक डकैती और मार्केटें लूटने वाला 8 रुकनी ग्रोह गिरफ्तार, सरगना जहादा JD MQM का जिम्मेदार रहा है, रेंजर्स का दावा। पौने 6 अरब रुपए करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार, शर्जील मेमन की कमर में तकलीफ, सेंट्रल जेल कराची में फिजियोथेरेपिस्ट तलब, जेल के मेडिकल ऑफिसर ने जिना अस्पताल के डायरेक्टर को खत लिख दिया। नैब जिस पर चाहता है जुल्म करता है, जिसे चाहे छोड़ देता है, बड़े करप्शन स्कैंडल्स को नैब ने देखा तक नहीं, महकमा तालीम सिंध गैर कानूनी भर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट नैब पर बरहम, कहा एहतसाब ब्यूरो ने मुलजिमान के खिलाफ तफरीही रवैया अपनाया हुआ। मुफ्ती अब्दुल कवी सच्चे हैं या झूठे, कंदील बलोच कत्ल में गिरफ्तार मुलजिम का पोलीग्राफिक टेस्ट करा लिया गया, मुफ्ती साहब के दिफा में उनका खानदान भी मैदान में, चचा कहते हैं कि पुलिस बिला जवाज अब्दुल कवी को घसीटना चाहती है। जब इल्मी हवाला से मुफ्ती अब्दुल कवी की शख्सियत को दागदार न किया जा सका तो एक हल्के बदख्वाहान ने उन पर इल्जाम तराशी का नायाब भूंडा रास्ता इख्तियार किया। कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल ग्रेस शेल्टन का लाड़काना का दौरा, बैलगाड़ी की सवारी की, खवातीन ने बदेसी मेहमान की देसी तरीके से तवाजु की।